हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन होम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं सराउंडिंग मीडियम से यानी एनवायरनमेंट से और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ये जो रेस्पिरेशन का कंप्लीट प्रोसेस होता है ये किसकी हेल्प से होता है? ये प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स की हेल्प से। कौन कौन से ऑर्गन्स की हेल्प से? नेजल कैविटी, पेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई और पेयर ऑफ लंग्स। लंग्स सब डिवाइडेड हैं ब्रोंकियल ट्री और एल्वियोलाई में। तो ये बॉडी के वो ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन में एक्टिव रोल प्ले करते हैं। अब अगर सिंपल वर्ड्स में हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करना हो तो हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिनकी हेल्प से हमारी बॉडी में गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। ठीक है, जो कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारी नोज से शुरू होता है और लंग्स के अंदर एल्वियोलाई पर जाकर खत्म हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स आते हैं, और सेकेंड पार्ट है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें आते हैं ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई जिसे हम सिर्फ ब्रोंकाई भी कह देते हैं, और पेयर ऑफ लंग्स इंक्लूडिंग ब्रोंकियल ट्री एंड एल्वियोलाई। तो अब वन बाई वन सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आता है नेजल कैविटी। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो नेजल कैविटी से ही स्टार्ट होता है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं यानी सांस लेते हैं, उस समय एयर हमारे नोस्ट्रिल्स से अंदर एंटर करती है। नोस्ट्रिल्स मतलब हमारी नोज में जो दो ओपनिंग होल्स होते हैं जहां से हम एयर इनहेल करते हैं। नेजल कैविटी में ऐसे सेल्स होते हैं जो म्यूकस रिलीज करते हैं। म्यूकस एक सॉल्टी और स्टिकी सब्सटेंस होता है जो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। नेजल कैविटी में गार्ड हेयर्स भी होते हैं जो एयर में ट्रेवल कर रहे लार्ज पार्टिकल्स को इनहेल होने से रोकते हैं। इसके अलावा नेजल कैविटी इनहेल्ड एयर के टेम्परेचर को भी बढ़ा देती है और उसे ह्यूमिडिफाई भी कर देती है, मतलब एयर में थोड़ी नमी आ जाती है। तो ये थी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में ये प्रोसेस पूरा होने के बाद एयर पास होती हुई अगले जंक्शन में पहुंचती है यानी फेरिंग्स में। फेरिंग्स को हम थ्रोट भी कहते हैं। फेरिंग्स एक मस्क्यूलर फनल होता है जिसकी लेंथ 13 सेंटीमीटर तक होती है। फेरिंग्स फर्दर डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में। नेजोफेरिंग्स, वो पार्ट जो नेजल कैविटी से मिला है। ओरोफेरिंग्स, वो पार्ट जो माउथ से मिलता है, ये फेरिंग्स का सेंट्रल रीजन है। और लास्ट है लैरिंगोफेरिंग्स, ये फेरिंग्स का वो पार्ट है जो अगले जंक्शन यानी लैरिंग्स में जाकर मिलता है। फेरिंग्स वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जहां तक फूड वे और एयर वे का कॉमन पाथ होता है, मतलब जो खाना हम खाते हैं या पीते हैं और जो एयर हम इनहेल करते हैं ये सभी फेरिंग्स तक तो आते हैं, लेकिन फेरिंग्स के बाद एयर विंड पाइप में पास हो जाती है और फूड फूड पाइप में पास हो जाता है, जिसे एसोफेगस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लैरिंग्स। लैरिंग्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का लास्ट ऑर्गन है। लैरिंग्स का जो बेसिक फंक्शन होता है वो फूड को एयरवे से अलग करना होता है। लैरिंग्स के टॉप पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक स्पून की शेप में एक कार्टिलेजियस फ्लैप होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस का काम होता है कि जो भी फूड फेरिंग्स में से आगे ट्रांसफर हो रहा है उसे फूड पाइप यानी एसोफेगस की तरफ पुल करना और एयर को अगले जंक्शन यानी ट्रेकिया में ट्रांसफर करना। कई बार क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो उस समय कभी कभी हमारा खाना या पानी फूड पाइप यानी एसोफेगस में जाने के बजाय विंड पाइप में चला जाता है और हमें झटके के साथ खांसी आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार हमारा ब्रीदिंग पैटर्न बिगड़ जाता है और एपिग्लॉटिस प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। इसके अलावा लैरिंग्स का एक और एडिशनल फंक्शन है साउंड प्रोड्यूस करने का। जो हमारा साउंड होता है वो लैरिंग्स की हेल्प से ही प्रोड्यूस होता है, इसीलिए लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लेकिन क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लैरिंग्स का साउंड प्रोड्यूस करने का क्या रोल है इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है लैरिंग्स का साउंड प्रोड्यूस करने में एक सिग्निफिकेंट रोल होता है और इसीलिए इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के तीनों ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया, नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स।
अब बात करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेकिया की। ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रेकिया एक रिजिड ट्यूब है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर तक होती है। ट्रेकिया यानी विंड पाइप बहुत सारे रिंग लाइक कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर के बीच होता है। ये जो कार्टिलेज रिंग होते हैं ये कंप्लीट रिंग नहीं होते बल्कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सी शेप में होता है। ये रिंग विंड पाइप यानी ट्रेकिया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं और क्योंकि ये सी शेप में होते हैं इसलिए ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होते हैं। जब उसमें से फूड ट्रांसफर हो रहा होता है उस समय ट्रेकिया के ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और एसोफेगस को ज़्यादा स्पेस मिल जाता है जिसकी वजह से फूड इजीली ट्रांसफर होने में हेल्प मिलती है। तो ये था ट्रेकिया का एडिशनल रोल। लेकिन रेस्पिरेशन में ट्रेकिया का मेन रोल यही होता है कि वो पीछे से आ रही एयर को अगले जंक्शन में ट्रांसफर करे यानी कि प्राइमरी ब्रोंकाई में। तो अब बात करते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई की, जिसे सिर्फ ब्रोंकाई भी कह देते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, राइट मेनस्ट्रीम ब्रोंकस और लेफ्ट मेनस्ट्रीम ब्रोंकस। ये ब्रोंकाई हमारे लंग्स में एंटर करती है और फर्दर डिवाइड हो जाती है बहुत सारी ब्रांचेस और सब ब्रांचेस में। इससे पहले कि हम ब्रोंकियल ट्री और एल्वियोलाई के बारे में बात करें, पहले बात करते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स इलास्टिक बैग्स की तरह होती हैं, कुछ इस तरह से जैसे रबर बलून्स होते हैं। सिर्फ लंग्स ही हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकता है, वरना हमारी बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सके। लंग्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, राइट लंग और लेफ्ट लंग। राइट लंग में तीन लोब्स होते हैं, अपर लोब या इसे सुपीरियर लोब भी बोलते हैं, मिडल लोब और इन्फीरियर लोब या इसे लोअर लोब भी बोलते हैं। और लेफ्ट लंग में दो लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब या अपर लोब और लोअर लोब। राइट लंग का जो डायमेंशन होता है वो लेफ्ट लंग से बड़ा होता है और दोनों लंग्स का जो वेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.3 केजी होता है। अब बात करते हैं ब्रोंकियल ट्री की, जो कि लंग्स के अंदर ही होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स में एंटर करती हैं और फर्दर सब डिवाइड हो जाती हैं ब्रांचेज और सब ब्रांचेज में, जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ये ब्रोंकियोल्स भी आगे बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेज और सब ब्रांचेज में डिवाइड हो जाते हैं, इसे ही हम ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं। ब्रोंकियल ट्री में से एयर पास होती हुई फाइनली पहुंचती है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई ही वो एक्चुअल साइट है जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस लंग्स और ब्लड के बीच होता है, इसीलिए एल्वियोलाई को बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। एल्वियोलाई दिखने में अंगूर के गुच्छों की तरह होती है। ये बहुत सारे छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। एल्वियोलाई के एक स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोलस कहते हैं। तो बहुत सारे जब एल्वियोलस होते हैं वो मिलकर के एक एल्वियोलाई बनती है, ठीक है। एल्वियोलस से क्रॉस सेक्शन व्यू से पता चलता है कि ये सिंगल सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बने होते हैं जो बहुत थिन होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा पतली मेम्ब्रेन होती है। एल्वियोलस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं। एल्वियोलस की बहुत थिन मेम्ब्रेन होने की वजह से एल्वियोलस और RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स जो कि कैपिलरीज में फ्लो कर रहे होते हैं, इन दोनों के बीच गैसियस एक्सचेंज बहुत ईजिली हो जाता है। ये जो गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है ये एक डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन का मतलब अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में बात करें तो दो चीजों का आपस में मिक्स हो जाना। तो यहाँ पर डिफ्यूजन का मतलब है गैस का ब्लड के साथ मिक्स हो जाना। जो ऑक्सीजन एल्वियोलस में आती है वो RBCs जो कैपिलरीज में फ्लो कर रही होती है उसके साथ इजीली डिफ्यूज हो जाती है। और जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोलाई में डिफ्यूज होती है और यही कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं सेम ऑर्गन से ट्रेवल करते हुए हमारे नोस्ट्रिल्स और माउथ तक पहुंचती है और बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस होता है। दोस्तों एक बार मैं पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जल्दी से समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, हम एनवायरनमेंट से एयर इनहेल करते हैं जो हमारी नेजल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग से ट्रेकिया में जिसे विंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई में जिसे से ब्रोंकाई भी बोल देते हैं, ब्रोंकाई से लंग्स में, लंग्स में ब्रोंकियल ट्री और एल्वियोलाई होते हैं। एयर ब्रोंकियल ट्री से होती हुई एल्वियोलाई तक जाती है। एल्वियोलाई बहुत सारे छोटे छोटे एल्वियोलस से मिलकर बनी होती है जिनमें गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है और
फाइनली ऑक्सीजन कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं सेम ऑर्गन से ट्रेवल करते हुए हमारे माउथ और नोस्टिल से बाहर निकल जाती है। तो ये था रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो।